हे एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ बी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, स्टार्टिंग विद शमिता का रिसेंटली बर्थडे था एंड शिल्पा शेट्टी ने ये बर्थडे उनके रेस्टोरेंट में होस्ट किया था एंड कई बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को भी इनवाइट किया, बट शी डिड नॉट इनवाइट तेजस्वी एंड करण कुंद्रा। एंड उनको ना इनवाइट करने का रीजन ये बताया जा रहा है कि बिग बॉस हाउस में जो भी तेजस्वी ने आंटी वाला कमेंट शमिता को बोला था उससे शिल्पा काफी ज्यादा गुस्सा हुई है। एंड गुस्से में शी इवन गेव अ कमेंट जिसमें उन्होंने बोला कि मेरा ये मानना है जब एक औरत दूसरी औरत को नीचा दिखाने की कोशिश करे, वो मेरी बहन हो या कोई और हो, दैट्स अ साइन ऑफ वीकनेस और मैं उस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। और जिस तरीके से उस चीज को बोला गया है मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। आई जस्ट थिंक इट बॉइल्स डाउन टू मैनर्स, हम ऐसी चीजें करेंगे ही नहीं। माई पेरेंट्स वर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद अस। इवन तो तेजस्वी ने घर के अंदर इस चीज के लिए माफी मांग ली है, बट लगता नहीं कि शमिता एंड तेजस्वी फिर से बिग बॉस के घर के बाहर हमें साथ में देखने मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, देवोलीना इज एंगेज, तो विशाल सिंह एंड देवोलीना ने साथ में कुछ पोस्ट डाले थे जिसको देख के सबको लगा कि दोनों का एंगेजमेंट हो चुका है एंड दोनों ने साथ में एक सीरियल भी किया था। ये सारे फोटोज देखने के बाद कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि अगर देवोलीना का बिग बॉस के घर के बाहर ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था तो उसने बिग बॉस के अंदर ये क्यों बोला कि उसे प्रतीक पसंद है। बट लेट अस क्लेरिफाई कि देवोलीना और विशाल का एंगेजमेंट नहीं हुआ है, ये जो भी उनका पोस्ट है वो उनके अपकमिंग म्यूजिक वीडियो के लिए है जिसका नाम है इट इज ऑफिशियल, तो उस वजह से उन्होंने ऐसा पोस्ट डाला है। फिर उसके अलावा निशांत शमिता के पार्टी से जब प्रतीक की बहन के साथ निकल रहे थे तो थोड़ा चिढ़े हुए दिखाई दिए प्रतीक के ऊपर। ऐसा लगा एज इफ शमिता के पार्टी से निकलते वक्त प्रतीक डिड नॉट इन्फॉर्म निशांत और हिज सिस्टर, जिस वजह से दे वर सर्चिंग हिम। ऑल्सो उर्फी जावेद के साथ बीच में एक पर्सन जब रस्ते पे पिक लेने आया तब द वे ही बिहेव वो देख के कई लोगों को वो ठीक नहीं लगा, बट उर्फी डिड नॉट स्टॉप हिम, इंस्टेड केप्ट ऑन लाफिंग इन दिस होल सिनेरियो। मे बी ए मोमेंट में शी वेंट ब्लैंक एंड कुडंट अंडरस्टैंड हाउ टू रिएक्ट, बट या नेटिजन्स फेल्ट लाइक शी शुड हैव स्टॉप्ड हिम बिकॉज दैट वॉज नॉट एट ऑल ओके। एंड उसके अलावा रणविजय जो रोडीज के साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं वो शायद अपकमिंग सीजन क्विट कर रहा है। तो 18 लॉन्ग ईयर्स से रणविजय एंड रोडीज एक साथ काम करते आ रहे हैं, बट अभी 19 सीजन के लिए उनके जो डेट्स है वो मैच नहीं कर रहे, जिस वजह से ये वाला सीजन रणविजय होस्ट नहीं करेंगे। एंड ये बोला जा रहा है कि ये सीजन के लिए सोनू सूद को अप्रोच किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रणविजय ने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि उनका एंड ये शो मेकर्स का कुछ ऐसा बीच में प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जस्ट डेट्स क्लैश हो रहे हैं इस वजह से वो इस बार का शो होस्ट नहीं कर सकते। तो 18 लॉन्ग ईयर्स के बाद रोडीज का एक ऐसा शो आने वाला है जिसका पार्ट रणविजय नहीं होंगे। एंड यू नेवर नो, शो पे जो नया होस्ट आने वाला है उसे अगर लोगों ने ज्यादा पसंद किया तो शो मेकर्स उसे ही कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी रणविजय शार्क टैंक के शो को भी होस्ट कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी शो के साथ उनका डेट क्लैश हो रहा होगा। सो या दैट्स इट, डू लेट मी नो शिल्पा का ये जो डिसीजन था तेजस्वी को शमिता के बर्थडे पार्टी पे नहीं बुलाने का, क्या आपको ये डिसीजन सही लगा कि गलत, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।